हेलो दोस्तों, मैं जयवीर चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सैफी फूड विद जय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये डिश बनाने वाला हूं जिसका नाम है पाव भाजी। तो दोस्तों, मेरा वादा है कि आज से आप रेस्टोरेंट की पाव भाजी खाना भूल जाओगे। इसे आप अपने घर पर मेरी ट्रिक से बहुत ही आसानी से और कम लागत में बना लोगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे इसके मेथड का कोई भी पार्ट आपसे छूट नहीं जाए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे नई नई रेसिपी की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों, ये लौकी, फूलगोभी, गाजर, बैंगन और आलू, इन सभी की हमने 250 ग्राम मात्रा ली और हमने 200 ग्राम ये मटर ली और एक पीस हमने शिमला मिर्च और एक पीस हमने चुकंदर का लिया। अब इन छिलकेदार सब्जियों के छिलके को हम हटा लेंगे और हटाने के बाद इन सभी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, इस टाइप से हम छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके पीसेज बहुत ही छोटे होने चाहिए जो बॉयल होने पर बहुत ही आसानी से हो जाएं। तो इस तरह से ये पीसेज कट करके और इसे हम साफ पानी में दो बार अच्छी तरह से धो लेंगे जिससे इसमें मिट्टी का कोई भी कण शेष नहीं रह जाए। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। तो इनको साफ़ करके और हम कुकर के अंदर इस तरह से डाल देंगे और अब इसमें हम ये पानी ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पानी इसमें लगभग हाफ होना चाहिए क्योंकि इसी पानी के अंदर हमें इन सब्जियों को अच्छी तरह से मैश करना है और जिससे इन सब्जियों का फ्लेवर इसी के अंदर है। तो दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसके बॉयल करने से पहले हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक भी ऐड कर देना है। अब इसे कुकर में 7-8 सीटी तक हम पकाएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 250 ग्राम टमाटर लिए, 2 प्याज लें, ये हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा लिया। अब हम टमाटो की प्यूरी अलग तैयार करेंगे और मिर्ची, अदरक और प्याज का पेस्ट अलग तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने प्याज, मिर्ची और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया और इधर हमने ये टमाटो प्यूरी तैयार कर ली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टमाटर की मात्रा हमें ज़्यादा ही रखनी होगी क्योंकि भाजी का परफेक्ट टेस्ट इस टमाटो प्यूरी की वजह से ही आता है। और दोस्तों, ये हमारी सारी सब्जियां बॉयल हो चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हो, हल्दी डालने की वजह से इसमें कलर भी ऑलरेडी आ चुका है। तो यही हमें ध्यान रखना है इसमें। अब इसे मैसर की सहायता से हम अच्छी तरह से मैश करेंगे और ये आप पानी की मात्रा देख सकते हो, पानी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है और ज़्यादा पानी हो जाता है तो हमें निकालना पड़ता है और उसमें इन सब्जियों का जो फ्लेवर होता है वो भी निकल जाता है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा इन सब्जियों के हाफ के बराबर रखनी होती है। ये दोस्तों, हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया, अब इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम आधा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता और 4 लौंग, 4 इलायची और 4 काली मिर्च और ये दालचीनी के टुकड़े इसमें डाल देंगे और इसके साथ साथ इसमें तीखापन लाने के लिए हम लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और दोस्तों, हमने जो प्याज, मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो भी हमने इसमें डाल दिया और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। तो ये आप देख सकते हो, जब ये ऑयल छोड़ने लग जाए उस समय तक हमें इसे भूनना है। अब इसी समय इसमें हमें 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डाल देनी है जिससे इसमें कश्मीरी मिर्च का जो कलर होता है वो इसमें कलर अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, तो कश्मीरी मिर्च ज़्यादातर कलर लाने के लिए ही डाली जाती है, इसमें तीखापन कम होता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, हमने ये जो टमाटो प्यूरी तैयार की थी वो भी हमने ऐड कर दी। अब इन सभी चीज़ों को मिलाकर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसमें हमने आधा चम्मच ये कश्मीरी मिर्च और ऐड की और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर और ये 2 चम्मच हमने पाव भाजी का मसाला डाला। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा और भूनेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें 1 चम्मच हमने ये नमक भी ऐड कर दिया और इसके साथ साथ 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर भी डाला है। तो भाजी के अंदर हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें नमक,
आमचूर और चीनी तीनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। उनका रेशियो सही होना चाहिए तभी भाजी आपकी परफेक्ट तरीके से बनती है। अब इसमें हमने जो मैश की हुई सब्जियां थी वो सभी हमने ऐड कर दी और ऐड करने के बाद इसको ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें हम एक चम्मच ये चीनी ऐड कर देंगे जिससे इसमें हल्का मीठेपन का भी टेस्ट आता रहे, तो ये आप देख सकते हो। और इसमें एक चम्मच हम ये पाव भाजी मसाला और डालेंगे, तो इसमें आप मसालों को चख के भी चेक कर सकते हो कि कौन सा मसाला कम है, उसी हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। अब ये भाजी पूरी तरह से बनकर तैयार है और वो भी परफेक्ट कलर और परफेक्ट टेस्ट के साथ, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हो, तो आप भी ये ट्राई करके ज़रूर देखना। पाव तैयार करने के लिए दोस्तों एक पाव के हम दो पीसेस कर लेंगे और उन दोनों पीसेस पे ये हमने भाजी लगा दी है। भाजी लगा के और हम इसे सेक रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो आप बटर में या घी से या रिफाइंड से आप जैसा चाहें उस तरीके से इसे सेक सकते हैं। तो ये भाजी लगाकर पाव का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आप देख सकते हैं ये भाजी लगाकर हमने सेके। आप बिना भाजी लगाए भी पाव को सेक सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारी पाव और भाजी परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। और इसी तरीके से आप भी अपने घर पर बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, जो मैंने ट्रिक बताई आप उस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं, अपने घर में सारे लोगों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।